जय श्री कृष्णा। मैं हूँ डॉक्टर हिना ओझा, मुंबई से, इंटरनेशनल एस्ट्रो फाउंडेशन वुमेन्स प्रेसिडेंट, कॉस्मिक एनर्जी सेंटर। आप सबका स्वागत है और आज हम रमन शास्त्र के ऊपर मेष से मीन राशि का प्रिडिक्शन करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं मेष राशि, तो ये वीक के लिए मेष राशि क्या कहती है, आइए हम देखते हैं। नौवे भाव से कनेक्टेड हो रहा है मेष राशियों के लिए, तो भाग्योदय खुल रहे हैं, कुछ ना कुछ बड़ा बेनिफिट होने वाला है। जैसे भाग्योदय खुल रहा है तो धर्म की यात्रा हो सकती है, फॉरेन के योग बन रहे हैं, कहीं से लक्ष्मी प्राप्ति के योग हो रहे हैं, छोटे भाई बहनों द्वारा हो सकता है, या तो कुछ ना कुछ अलग से भी हो सकता है। दत्तक संतान के बारे में सोचे तो दत्तक संतान भी ले सकते हो। कहीं पर सक्सेसफुल नहीं हो रहे, क्या हो रहा है, कुछ काम नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है, हो सके तो आपके घर की जो साउथ दिशा है वहाँ पर आपको क्या करना है कि सरसों का तेल का दिया जलाना है, दो लौंग डाल के फिर वहाँ पे मंगल स्रोत का पाठ करना है, और हो सके तो वहाँ पे पितरों का स्थान भी है, तो पितरों के आशीर्वाद से आप बहुत आगे बढ़ने वाले हो। पितरों का आशीर्वाद लेके कोई भी कार्य कीजिए तो उससे काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। लकी नंबर रहेगा आपका 9 नंबर, कलर रहेगा रेड कलर। अभी आ रही है वृषभ राशि, तो वृषभ राशि ये वीक के लिए क्या कहती है। ग्यारह भाव से कनेक्टेड हुआ वृषभ राशियों के लिए, तो वृषभ राशियों के लिए भी बहुत ही अच्छा लक्ष्मी योग दिखा है। शेयर मार्केट द्वारा कुछ ना कुछ बेनिफिट होने वाले, बड़े भाई बहनों द्वारा भी बेनिफिट हो सकता है, कहीं दामाद द्वारा, बहू द्वारा भी, मित्र द्वारा भी, और कहीं पे आप संतान द्वारा भी कहीं ना कहीं लक्ष्मी प्राप्ति के योग बन रहे हैं। कहीं पे लगता है कि मैं शेयर मार्केट में, तो शेयर मार्केट में ये टाइम आपको बहुत ही ये भी अच्छा बेनिफिट मिलेगा, लेकिन हमने बोला बेनिफिट नहीं मिल रहा है तो आपको क्या करना है, हो सके तो आपकी जो भी कुल देवी है उनके दर्शन करके फिर कोई भी कार्य की शुरुआत कीजिए, और हो सके तो आपके नॉर्थ वेस्ट दिशा जहाँ चंद्र की दिशा है रात को, वहाँ पे चंद्रमा के डेली आपको एक वीक के लिए दर्शन करने, तो उससे काफ़ी फायदा होगा। जो भी रुकावट आ रही है, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, तो वो चली जाएगी। लकी नंबर रहेगा आपका 11 नंबर और कलर रहेगा वाइट। अभी आ रही है मिथुन राशि, तो मिथुन राशि ये वीक के लिए क्या कहती है। दसवें भाव से कनेक्टेड हो रहा है मिथुन राशियों के लिए, तो दसवां भाव से कनेक्ट कहीं पे हो सके तो माता के साथ कनेक्टेड हो रहा है, माता के हेल्थ के बारे में शायद इश्यू हो सकता है, या तो कुछ नया बिजनेस करना चाहते हो तो नया बिजनेस आप माता के नाम पे या तो अपनी वाइफ या डॉटर या सिस्टर के नाम पे कर सकते हो, और खुद आप एक लेडीज हो तो आप अपने नाम पे भी बिजनेस खोल सकते हो, तो उससे काफ़ी फायदा रहेगा। और हो सके तो ये बिजनेस में आप लेडीज़ का ही बिजनेस रखें, जैसे ड्रेस मटेरियल, ब्यूटी पार्लर, ये सब भी आप ओपन कर सकते हो, ब्यूटी की आइटम भी हो सकती है, तो उसमें लेडीज़ की ही आइटम हो तो ज़्यादा अच्छा और बेनिफिट मिलेगा। कहीं पे रुकावट आ रही है तो आपको क्या करना है, आपके घर की जो ईस्ट दिशा है वहाँ पे आपको शुद्ध हो सके तो एक मिट्टी का दिया लेना है, एक कपूर लेना, एक लौंग और एक तेज पत्ता लेके वहाँ पे जलाना है। ईस्ट दिशा आपकी मृत अवस्था में है तो कोई काम नहीं हो रहा है, और जो भी काम में रुकावट आ रही है, सक्सेसफुल नहीं मिल रहा है, तो ये कार्य करने से काफ़ी बेनिफिट होगा। और हो सके तो सूर्य देव को गायत्री मंत्र जाप के साथ जल का अर्घ चढ़ाइए तो उससे काफ़ी फायदा रहेगा। तो लकी नंबर रहेगा आपका 1 नंबर और कलर रहेगा रेड और ऑरेंज कलर। अभी आ रही है कर्क राशि, तो कर्क राशि ये वीक के लिए क्या कहती है। नौवे भाव से कर्क राशियों का भाग्योदय खुल रहा है, भाग्योदय चमक रहा है, कहीं ना कहीं कुछ बेनिफिट हो रहा है, कहीं से फॉरेन से योग बन रहे हैं या फॉरेन जाने का हो रहा है, धर्म की यात्रा हो रही है, कुछ ना कुछ बेनिफिट दिखा है। शायद आपके मन में दत्तक संतान के बारे में सोच रहे हो, दत्तक संतान भी ले सकते हो, छोटे ट्रैवलिंग भी हो सकती है पड़ोसियों के साथ, या कहीं पर पराक्रम भी दिखा सकते हो, तो बहुत सारे कुछ नए नए बेनिफिट्स दिखा रहे हैं। तो कुछ तो आपको क्या, आपके साथ पितरों के आशीर्वाद है, तो आपको क्या करना है कि आप हो सके तो पीपल के वृक्ष के वहाँ पे जाके आपको एक तांबे का लोटा लेके जाना है, उसमें कच्चा दूध, कच्चा काला तिल और पानी से भर देना है, फिर अबुल गुलाल चोखा डालकर फिर आपको एक गाय सरसों का तेल का लंबी वाट का दिया लेके जाना है, उसमें दो लौंग डाल के और एक कच्चा केला, फ्रूट्स लेके जा सकते हो, या तो बर्फ़ी मिठाई वाइट कलर की लेके जा सकते हो, या खीर लेके भी जा सकते हो घर से बनाई हुई,
तो ये लेके फिर दो अगरबत्ती भी लेना है, और ये सारी पूजा पीपल के वृक्ष में जाके आपको पूजा करनी है, और जल आपको चढ़ाना है वहाँ पे, तीन प्रदक्षिणा करनी है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो पितृ आपके ऊपर बहुत प्रसन्न रहेंगे, और ये करने से आपकी जो भी पितृ अवस्था, या तो पितृ को मोक्ष नहीं मिला, या तो पितृ के बीच में आने से आपके काम में सफलता नहीं मिल रही है, तो काम में सफलता मिलना चालू हो जाएगा। और हो सके तो घर के अंदर वही साउथ दिशा में बैठे मंगल स्रोत का पाठ कीजिए, तो उससे भी काफी फायदा रहेगा। तो लकी नंबर रहेगा आपका 9 नंबर, और कलर रहेगा रेड ऑरेंज और येलो कलर। अभी आ रही है सिंह राशि, तो सिंह राशि ये भी के लिए क्या कहते हैं, दसवें भाव से कनेक्टेड हो रहा है सिंह राशियों के लिए। तो सिंह राशियों को खुद लेडीज है, तो अपनी हेल्थ के बारे में खास ध्यान रखना है। ये वीक के लिए थोड़ा प्रॉब्लम्स आ सकती है, 1 नंबर से तो सिर से कनेक्टेड भी हो सकता है, या तो घुटनों के पैरों के दर्द भी हो सकते हैं। तो ये वीक के लिए थोड़ा ध्यान रखना है। कहीं पे आप नया बिजनेस करना चाहते हो, तो नया बिजनेस आप माता के नाम पे, या तो आप खुद लेडीज हो तो अपने खुद के नाम पे भी बिजनेस कर सकते हो, या तो आपकी से वाइफ है, सिस्टर है, उसके नाम पे भी बिजनेस कर सकते हो। तो ये कंपनी उसके नाम से खुलने से आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, और बिजनेस करें तो भी उसमें लेडीज़ की आइटम हो तो ज़्यादा आपकी बिक्री होगी, तो उससे काफ़ी फायदा रहेगा। तो हो सके तो आपको क्या करना है कि आपके जो सूर्यदेव है, तो सूर्यदेव को अर्घ चढ़ाने 11 मंत्र जाप के साथ सूर्यदेव के, और हो सके तो वहाँ पे आपको बैठकर आप सूर्यदेव का पाठ भी कर सकते हो, और गायत्री मंत्र के जाप एक माला करने से काफ़ी फायदा रहेगा। उससे भी जो भी दिक्कतें आ रही है सक्सेसफुल लाइफ में नहीं हो रही, तो वो भी मिलना चालू हो जाएगा। तो लकी नंबर रहेगा आपका 1 नंबर, और कलर रहेगा ऑरेंज और येलो कलर। अभी आ रही है कन्या राशि, तो कन्या राशि ये वीक के लिए क्या कहती है, फोर्थ भाव से कनेक्टेड हो रहा है कन्या राशियों के लिए। तो कुछ न कुछ मन में विचार चल रहे घर चेंज करने के लिए, या तो नया घर लेने के लिए, या कुछ न कुछ अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, तो कुछ न कुछ मन में चल रहा है, या तो कार नई लेने के लिए सोच रहे हो, या तो बच्चों के एजुकेशन के बारे में भी सोच रहे हो, तो कुछ न कुछ हो रहा है। तो ये विचार आपको प्रकट करना है, या तो नया घर लेने का है, या तो रेंट पे जाना है, तो कुछ न कुछ कर सकते हो। तो हो सके तो फॉरेन के योग भी, शायद घर वहाँ पे भी लेने के प्लान हो सकते हैं। तो राहु का दिखा रहा है 4th नंबर है, तो कुछ ना कुछ नया होने जा रहा है, लाइफ थोड़ी सी चेंज होने जा रही है। तो आपको हो सके तो क्या करना है कि आपको आपके घर के अंदर, आपका खुद का घर नहीं है तो कुछ प्रॉब्लम आ रही है घर के अंदर, तो आपको क्या करना है, घर को पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर कर देना है। आपके घर की जो साउथ वेस्ट दिशा है उसको शुद्ध रखनी है, और हो सके वहाँ पे तो रोज कपूर का धूप कर सकते हो रात के टाइम पे, या 2 अगरबत्ती जलाइए तो उससे काफ़ी फायदा रहेगा। और घर की जो मेन दहलीज रहती है वहाँ पे भी हो सके तो आपको कपूर का धूप करना है, तो एक मिट्टी का दिया लेके एक कपूर लौंग और एक तेज पत्ता डाल के वहाँ पे जलाना है, तो उससे काफ़ी फायदा रहेगा। और 2 अगरबत्ती घर के बाहर रखें तो नेगेटिव एनर्जी जो आने वाली वो नहीं आएगी, और जो भी प्रॉब्लम्स आ रही घर लेने के लिए, लक्ष्मी के योग नहीं बन रहे तो ये योग बनना भी चालू हो जाएगा, लेकिन छोटी छोटी रेमिडी करने से काफ़ी फायदा रहेगा। तो ये करने से आपके प्रॉब्लम्स हो तो वो भी कम हो जाते हैं। और कहीं पे लगता है तो आपको क्या करना है, रोज शाम के टाइम पे डॉग को खाना खिलाना है, तो हो सके तो बाजरे का रोटी बना के फिर उसमें एक तेल लगा के फिर आपको शाम के टाइम पे नीचे जाएंगे तो एक काला कुत्ता मिलेगा, उसको वो खिला देना है, तो जो भी दिक्कतें आ रही है, प्रॉब्लम्स आ रही है, तो वो नहीं आएगी। तो लकी नंबर रहेगा आपका 4 नंबर, और कलर रहेगा पर्पल ब्लू और ब्लैक कलर। अभी आ रही है तुला राशि, तो तुला राशि ये वीक के लिए क्या कहती है, दसवें भाव से कनेक्टेड हो रहा है तुला राशियों के लिए। तो कहीं पे आप नया बिजनेस करना चाहते हो, तो बिजनेस आप अपनी माता के नाम पे कर सकते हो, आपकी वाइफ है तो उसके नाम पे, बेटी है तो उसके नाम पे, और आपकी सिस्टर है तो उसके नाम पे भी कर सकते हो। कोई लेडीज़ के नाम पे आपके घर, और खुद लेडीज़ है तो आप अपने नाम पे भी बिजनेस कर सकते हो, तो उससे भी काफ़ी फायदा रहेगा। और कहीं पे थोड़ा माता के हेल्थ का इश्यू हो सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखना है ये वीक के लिए।
और हो सके तो कहीं पे लगता है कि क्या करे बिजनेस में, तो बिजनेस करने से काफी फायदा रहेगा, और हो सके तो पार्टनरशिप ना करे तो उसे भी अच्छा रहेगा। और लकी नंबर रहेगा आपका 1 नंबर, और हो सके तो सूर्य देव को अर्घ चढ़ाना है गायत्री मंत्र जाप के साथ, और आदित्य हृदय का स्रोत का पाठ भी आप ईस्ट दिशा में बैठ के कर सकते हो, तो उसे भी काफी फायदा रहेगा। जहाँ पे भी दिक्कत आ रही है वो दिक्कत नहीं आएगी, और आपका कार्य जो है आसानी से सफल हो जाएगा। तो लकी नंबर 1 कलर रहेगा रेड, ऑरेंज और येलो कलर। अभी आ रही है वृश्चिक राशि, तो वृश्चिक राशि ये वीक के लिए क्या कहती है? बारहवें भाव से कनेक्टेड हो रहा है वृश्चिक राशियों के लिए, तो व्यय दिखा रहा है, खर्चा दिखा रहा है। कहीं पे आप अपना नया बेडरूम बनाने के बारे में सोच रहे हो, रिनोवेशन के बारे में सोच रहे हो, कहीं हॉस्पिटल के खर्चे बढ़ सकते हैं, कहीं पे जेल के योग भी बन सकते हैं, कोर्ट कचहरी के मामले भी हो सकते हैं। तो थोड़ा ये भी ध्यान रखना है वृश्चिक राशियों को, खास करके हो सके तो कनेक्टेड हो रहा है कि कहीं बारहवें भाव से कनेक्टेड हो रहा है तो सूर्य देव को अर्घ चढ़ाए, गवर्नमेंट कनेक्टेड टू रिलेटेड कोई वर्क काम भी आ सकता है, और चंद्र से कनेक्टेड भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है कि सूर्य देव को अर्घ चढ़ाना है गायत्री मंत्र जाप के साथ, रात को चंद्रमा के दर्शन कीजिए, और हो सके तो आपके घर की जो नॉर्थ ईस्ट दिशा है उसको शुद्ध रखें तो उसे काफ़ी फायदा रहेगा। और नॉर्थ ईस्ट दिशा में भगवान को सारे येलो कलर के कपड़े पहनाइए तो उससे काफ़ी फायदा रहे, और आपके साथ एक छोटा सा हैंडकरचीफ येलो कलर का रखे तो उसे जो भी प्रॉब्लम्स आने वाली है तो वो कम आएंगे। लकी नंबर रहेगा आपका 1 और कलर रहेगा रेड ऑरेंज। अभी आ रही है धनु राशि, तो धनु राशि ये वीक के लिए क्या कह रही है? दसवें भाव से कनेक्टेड हो रहा है, तो ये बार हमने देखा बहुत बार दसवें भाव से कनेक्टेड हुए माता के साथ से, कुछ ना कुछ नया करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए, और खुद के अपने आप को एक्टिवेट रखना चाहिए। और नया बिजनेस के लिए आ रहा है तो आप नया बिजनेस कर सकते हो, लेकिन वुमेंस का बिजनेस होना चाहिए तो उससे काफ़ी फायदा रहेगा। वो बिजनेस आप खुद लेडीज है तो आप अपने नाम पे बिजनेस कीजिए, अपनी डॉटर के साथ कर सकते हो, सिस्टर के साथ भी, तो उससे काफ़ी फायदा रहेगा। माता के नाम के माता के साथ भी कर सकते हो तो उससे काफ़ी फायदा रहेगा। जहाँ पे दिक्कत आ रही है, काम नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है, सूर्य देव को अर्घ चढ़ाना है, जल्दी उठ जाना है, गायत्री मंत्र जाप के साथ आदित्य हृदय स्रोत का पाठ चालू कर दीजिए, तो देखो फिर कितनी अच्छे से प्रॉब्लम सारे सॉल्व हो जाते हैं। हो सके तो आपकी घर की जो ईस्ट दिशा है उसको शुद्ध रखें। लकी नंबर रहेगा आपका 1 नंबर और कलर रहेगा येलो कलर। अभी आ रही है मकर राशि, तो मकर राशि ये भी के लिए क्या कह रही है? बारवा भाव से कनेक्टेड हो रहा है मकर राशियों को, लोगों को खास ध्यान रखना है ये वीक के लिए। व्यय दिखा रहा है, कहीं हॉस्पिटल के खर्चे हो सकते हैं, कहीं पे पैरों के दर्द हो सकते हैं, कहीं पे कुछ ना कुछ कोर्ट कचहरी के मामले हो सकते हैं, कहीं पे कनेक्टेड टू ये 12 भाव से कनेक्टेड सूर्य और चंद्र के साथ गुरु के साथ हो रहा है, तो ज़्यादा कहीं बेडरूम के खर्चे हो सकते हैं, रिनोवेशन के बारे में सोच रहे हो तो थोड़ा ध्यान रखना है ये वीक के लिए। आपके प्रॉब्लम्स हो सकते हैं तो उसको कम करने के लिए आपको क्या करना है कि हो सके तो सूर्य देव को अर्घ चढ़ाना है और उस मंत्र जाप करना है, गायत्री मंत्र जाप, और हो सके तो रात को चंद्रमा के दर्शन कीजिए, और आपकी जो कुल देवी है उसका ध्यान कीजिए, उसका मंत्र जाप कीजिए, तो जो भी प्रॉब्लम है वो चली जाएगी। नॉर्थ ईस्ट दिशा है तो वहाँ पे हो सके तो भगवान को गाय का घी का दिया जलाइए, और भगवान को भोग में आप पीली मिठाई धराइए तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो लकी नंबर रहेगा आपका 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, कलर रहेगा व्हाइट, येलो और रेड कलर। अभी आ रही है कुंभ राशि, तो कुंभ राशि ये भी के लिए क्या कहते हैं? चौदह भाव से कनेक्टेड हो रहा है, तो 2, 6, 10 भाव से कनेक्टेड हो रहा है कुंभ राशियों के लिए। तो दूसरे भाव से फैमिली के कनेक्टेड लक्ष्मी के योग बन रहे हैं, छठे भाव से कहीं पे आप इंश्योरेंस या तो कोर्ट कचहरी के मामले, हॉस्पिटल के खर्चे, ये सब भी हो सकता है। और दसवें भाव से कनेक्टेड हो रहा है तो कहीं पे माता से के साथ रिलेटेड हो रहा है, तो माता के लिए भी खर्चा करना पड़े,
नए बिजनेस के बारे में भी सोच रहे हो, कुछ ना कुछ नया होने जा रहा है, नया कुछ करना है, ऐसा भी होता है, तो आगे बढ़िए और हो सके तो आपकी जो भी कुल देवी है उसकी मन्नत ले लीजिए, आपका कार्य सिद्ध हो जाए। जो कोर्ट कचहरी के खर्चे होने वाले हैं, खर्चे आने वाले हैं, या तो आप कहीं पे पैसे रोकने वाले हो तो ये वीक के लिए मुलतवी रखें। हो सके तो आप अपने पैसे बिना एग्रीमेंट के नहीं दे, ये नहीं तो रिटर्न नहीं आ सकता है। नौकर जाकर सर्वेंट के भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो ध्यान रखें ये वीक के लिए थोड़ा। तो हो सके तो आपको सूर्यदेव को अर्घ चढ़ाना है गायत्री मंत्र जाप के साथ। कनेक्टेड टू शुक्र तो साउथ ईस्ट दिशा आपकी घर की शुद्ध रखे, उससे भी काफ़ी फायदा रहेगा। लक्ष्मी के जो व्यय दिखा रहा है वो व्यय नहीं आएगा। और कनेक्टेड टू एक नंबर से आ रहा है, तो सूर्यदेव की प्रार्थना कीजिए, कुलदेवी की प्रार्थना कीजिए, कार्य सिद्ध हो जाएगा। लकी नंबर रहेगा आपका 2, 6 और 1 नंबर। हो सके तो आपको गुलाब रोज़ का अतर लेना है, और ये शुक्र का पहाड़ है तो वहाँ पे आपको लगाना है, उससे काफ़ी फायदा होगा। लक्ष्मी आना चालू हो जाएगा, जहाँ पे भी आप रुके हो वो काम चालू हो जाएगा। कलर रहेगा आपका वाइट कलर और रेड कलर। तो अभी आ रही है मीन राशि, तो मीन राशि ये भी के लिए क्या कहें। आठवें भाव से कनेक्टेड हो रहा है मीन राशियों के लिए, तो मीन राशियों को कहीं से धन संपत्ति माल मिलकत मिल रहा है, कहीं पे जायदाद मिल रही है, डटा हुआ धन की प्राप्ति हो रही है। कहीं पे पैर में घुटनों में दर्द हो सकता है, कमर से लेके, तो थोड़ा ध्यान रखना है अपने पैरों के, ये भी के लिए हो सके तो। कहीं पे आठवें भाव से कनेक्टेड आठवां भाव मृत्यु का भाव भी है, तो किसी के दुखद समाचार भी आ सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना है अपने हेल्थ के बारे में भी। हो सके तो हनुमान जी को सरसों का तेल जो चढ़ाने हम जाते हैं मंदिर में, वही तेल पंडित जी को बोल के फिर वापस थोड़ा तेल ले लीजिए और अपने घुटनों पर पैरों पे लगाइए, तो जो भी दिक्कत आ रही है, दुख दर्द हो रहा है कमर से लेके पैर तक, तो वो प्रॉब्लम्स नहीं आएगी और काफ़ी प्रॉब्लम्स आपके शॉर्ट आउट हो जाए। और हो सके तो आपको क्या करना है कि हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, ताकि जो भी दिक्कत आने वाली वो कम आएगी। तो लकी नंबर रहेगा आपका 8 नंबर और कलर रहेगा पर्पल ब्लू और ब्लैक कलर। आप फर्स्ट टाइम हमारी चैनल को देख रहे हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए और शेयर जरूर कीजिए, और नीचे कमेंट बॉक्स में आप हो सके तो कुछ भी हमारी रेमेडीज पता नहीं चलती है तो आप उसमें लिख सकते हो, तो मैं आपको आंसर भी दूँगी। थैंक यू वेरी मच।